आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ब्लॉग वीडियो होने वाला है। आज मैं अमृतसर जा रही हूँ। अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ अमृतसर जाने के लिए। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं अमृतसर जाने की, तो आपको भी एक आइडिया मिल सकेगा कि कौन कौन से प्लेसेस ओपन है और आप अमृतसर जाके कहाँ कहाँ एंजॉय कर सकते हैं और किन किन जगहों पे घूम सकते हैं। इस वीडियो में लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं अमृतसर। मैं अंबाला पहुंच गई हूँ। कुछ मुझे पीने का मन कर रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारी जूस के ठेले खड़े हुए, तो मुझे मौसम्मी का जूस पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं जूस पीने के लिए रुकी हूँ यहाँ पर। और यहाँ से अमृतसर करीब 250 किलोमीटर दूरी पे है, तो फिलहाल तो अभी मैं जूस पीती हूँ और उसके बाद फिर इस सफर को कंटिन्यू रखूंगी मैं। फ्रेंड्स, दोपहर 2:30 बजे के करीब मैं होटल पहुंची थी। और फ्रेंड्स, जिस होटल में मैं रुकी थी उस होटल का नाम है ब्लूम बुटीक, और ये होटल रंजीत एवेन्यू एरिया में पड़ता है। आप अगर अमृतसर आ रहे हैं ना, तो इस होटल में स्टे आप करना काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और फ्रेंड्स, ये होटल की लॉबी है जो आप सामने देख रहे हैं, और इसके बाद चलिए चलते हैं रूम में। उस रूम का मैं टूर कराती हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपने वॉशरूम से। ये इधर पूरा है, काफी बड़ा है वॉशरूम और काफी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद ये सारे रखे हुए हैं, कैटल है जिसपे आप चाय बना सकते हैं, गर्म पानी कर सकते हैं। और ग्रीन टी रखी है जो अभी थोड़ी देर बाद मैं पीने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन टी बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी कॉफी चाय वगैरह भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा फ्रिज भी दे रखा है। मैं अपनी चॉकलेट लेके आई हूँ, वो मैं इसमें रख दे रही हूँ। आइए, और ये है पूरा रूम। ये सुंदर सा बेड है और इस रूम में पूरी थीम है येलो एंड व्हाइट की, तो वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इन्होंने दे रखा है। बहुत प्यारा रूम है। और ये टीवी है, टीवी वगैरह आप चला सकते हैं। ये प्यारा सा येलो कलर का सोफा है इतना बड़ा सा। और यहाँ से मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। अभी तो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा सा अभी रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर शाम के टाइम पे मैं अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे मैं जाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं गोल्डन टेम्पल में। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रेडी होके मैं निकल पड़ी हूँ घूमने के लिए। यहाँ पे पता चला है कि जलियांवाला बाग भी खुल गया है, तो पहले मैं जाके वो देखूंगी। अगर वो खुला होगा तो पहले मैं जलियांवाला बाग देखूंगी, उसके बाद फिर मैं गोल्डन टेम्पल जाऊंगी। तो फिर चलिए चलते हैं। We'll be right back.
और फ्रेंड्स ये देखिए मैं गोल्डन टेम्पल पहुंच गई हूँ और ये गोल्डन टेम्पल के बाहर का कॉम्प्लेक्स है। बाहर ही शूज स्टैंड है जहाँ पर आप अपने जूते उतार सकते हैं और हाथ धोने का भी बाहर ही बना हुआ है जहाँ पर आप अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल आई हूँ। जब मैं अमृतसर आ रही थी ना तो मैं गोल्डन टेम्पल में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और आई कांट बिलीव कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहब भी बोला जाता है और फ्रेंड्स ये टेम्पल सिख धर्म के सभी गुरुद्वारों में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर वीकेंड पे आ रहे हैं ना तो वीकेंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर भीड़ होती है। तो यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए वीकेंड पे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स मैं दर्शन करके आ गई हूँ, मुझे दर्शन करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और फ्रेंड्स अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाई हूँ। फ्रेंड्स गोल्डन टेम्पल के बाहर बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स पंजाबी जूतियाँ पंजाबी सूट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं ना तो ये सब चीज़ें ज़रूर खरीदें और ये मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है। इस मार्केट में आप रात के टाइम घूमेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं कहीं पर जाती हूँ और शॉपिंग ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं तो पहुँच गई जूती की दुकान में अपने लिए जूतियाँ खरीदने के लिए। तो फिर चलिए देखती हूँ मैं कौन कौन सी जूतियाँ पसंद करती हूँ अपने लिए। फ्रेंड्स इस मार्केट को पुराने स्टाइल में रिनोवेट किया गया है जो कि रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं ना तो रात के टाइम पे ही यहाँ पर आइएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग है जो कि गोल्डन टेम्पल के बहुत ही पास पड़ता है। बहुत रात हो गई थी फ्रेंड्स तो इसलिए मैं यहाँ नहीं जा पाई थी। जलियांवाला बाग और अमृतसर की बाकी जगहों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, आपने बहुत इन्जॉय किया हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।